अस्सलाम वालेकुम, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली मैंने रेडमी गो को यहाँ पर परचेज किया हूँ और ये देखिए रेडमी गो इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड MI, Xiaomi और नीचे कुछ नहीं है और लेफ्ट और राइट यहाँ पर लिखा हुआ है रेडमी गो बाय Xiaomi और पीछे यहाँ पर देखिए रेडमी गो स्नैपड्रैगन 425 8 का रियर 5 का सेल्फी कैमरा और 3000 mAh की बैटरी 5 इसकी HD डिस्प्ले मिल जाते हैं। एक अच्छी बात है इसमें HD डिस्प्ले मिल जाते हैं 4500 में और मैंने परचेज़ किया ब्लू कलर में और 1 GB की रैम है, 8 GB की रोम है। 2019 में अभी भी आपको 1 GB रैम यहाँ पर मिल रही है और मेड इन इंडिया। तो चलिए फटाफट अभी इसका हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बॉक्स को ओपन किया और पहली चीज़ हमें मिल जाती है अपना डिवाइस जो कि Redmi Go और मैंने परचेज़ किया हूँ ब्लू कलर में जो कि यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरह से और ये बना है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से और जो क्वालिटी है काफ़ी यहाँ पर चीप है, उतना खास नहीं है, मुझे तो ये पसंद नहीं है इसकी जो क्वालिटी। और साथ ही साथ अंदर और एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, इसमें हमें देख लेते हैं और यहाँ पर देखिए एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाती है कुछ इस तरह से, देखिए और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रीम इंजेक्शन टूल मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसमें एक वारंटी इंफॉर्मेशन यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाता है और इस फ़ोन के साथ आपको कोई भी TPU केस वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है। और चार्जिंग की जो रेटिंग है यहाँ पर 5V 1 A का है कुछ इस तरह से देखिए आप, और साथ ही साथ एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है और यहाँ पर देखिए माइक्रो USB केबल। अभी हम साइड में रख देते हैं सारे चीज़ों को और अभी हम देखते हैं अपने डिवाइस पे। यहाँ पर देखिए Redmi Go Qualcomm Snapdragon 425 प्रोसेसर 1.4 GHz के ऊपर क्लॉक है, 8 का रियर और 5 का सेल्फी कैमरा मिल जाता है विथ LED फ्लैश के साथ, 3000 mAh की बैटरी और 5 इंच का HD डिस्प्ले और पीछे यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है। अभी हम स्टिकर को हटा लेते हैं कुछ इस तरह से देखिए, और ये एक छोटा सा स्टिकर है और इसे भी हम हटा लेते हैं और यहाँ पर देखिए जो कलर है काफ़ी बढ़िया एक कलर है और इसके जो बिल्ड क्वालिटी है उतना ख़ास नहीं है और ओके है, चलता है लेकिन जो ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं उनके लिए ये बिल्ड क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं है। और सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसका जो स्क्रीन है इसको दिखता है और ऊपर देखिए यहाँ पर एक सेकंड नॉइस कैंसिलेशन माइक है, एक 3.5 mm हेडफोन जैक है और यहाँ पर देखिए लेफ्ट में 2 स्लॉट यहाँ पर दिख जाता है, 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड साथ ही साथ आप लगा सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पर चलिए एक स्लिम स्लॉट मैंने ओपन कर लिया और दूसरा भी यहाँ पर मैंने ओपन करता हूँ कुछ इस तरह से देखिए। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मैंने एक सिम स्लॉट निकालते हो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आप सिम लगा सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक सिम लगा सकते हो नैनो सिम। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से सिम ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है और अभी हम जो दूसरा स्लॉट है उसे हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको SIM2 और एक SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप इस फोन के साथ 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड साथ ही साथ लगा सकते हो। और नीचे यहाँ पर देखिए एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है और USB पोर्ट, स्पीकर ग्रिल कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख जाता है। अभी हम चलते हैं साइड में, देखिए यहाँ पर राइट साइड में वॉल्यूम अप और डाउन बटन और पावर लॉक अनलॉक की बटन यहाँ पर दिख जाता है। तो फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है तो इसे मैंने फटाफट अभी यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ और सेटअप करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने फ़ोन को पूरी तरीके से यहाँ पर सेट किया और परमिशन रिक्वायर पूछा है तो चलिए कर दे अलाउ। और यहाँ पर देखिए फ़ोन फाइनली यहाँ पर बूट अप हो चुका है तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटस बार है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख जाता है। हालांकि जो फ़ोन का जो लॉन्चर है वो मिंट लॉन्चर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको लगभग जो पोको का लॉन्चर है सेम वैसे ही लग जाता है। और आप थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पर ज़्यादा दिए हैं जैसे कि फेसबुक लाइट है, अमेजोन का ऐप है, वो सारे के सारे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और आप गूगल के गो एडिशन के ऐप यहाँ पर देखिए और उन ऐप को भी आप डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए गूगल का जो असिस्टेंट गो एडिशन है यहाँ पर मैंने डिसेबल करता हूँ कुछ इस तरह से। जो मिनी ब्राउज़र मिल जाता है MI का जो नया ब्राउज़र है वो मिल जाता है, आप उसे चाहे तो यहाँ पर देखिए मिंट ब्राउज़र भी आप डिसेबल कर सकते हो लेकिन आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते इसे,
कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने डिसेबल कर दिया और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए फटाफट अभी हम सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग में जाकर क्या कुछ मिल जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैटरी देखिए 61% यहाँ पर चार्ज है। और अभी हम चलते हैं स्टोरेज में, जो 8 GB में से आपको लगभग 3.16 GB यहाँ पर यूज है। फ्री में कितना मिलता है यहाँ पर नहीं दिया गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने मेमोरी कार्ड भी डाल चुका हूँ। अभी हम चलते हैं इसके जो लॉन्चर में, जो लॉन्चर है मिंट लॉन्चर मिल जाता है इसमें। और यहाँ पर देखिए आप आइकॉन पैक यहाँ पर डाल सकते हो, अपने ऐप को जो आइकॉन पैक को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिस्टम आइकॉन पैक है और चाहे तो ऐड मोर में जाकर आप जो आइकॉन पैक यहाँ पर डाल सकते हो। और साथ ही साथ इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि 3, 4 या 5 रख सकते हो ऐप को, और स्मॉल कर सकते हो और लार्ज कर सकते हो और एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हो, और चाहे तो आप मीडियम भी रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर अपने ऐप को यहाँ पर हाइड भी कर सकते हो और लॉक रख सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये मिल जाता है। मिंट लॉन्चर 1.1.0 यहाँ पर मिल जाता है जो वर्शन इसका। तो बस ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पर देखिए अभी हम चलते हैं कैमरा के तरफ, और कैमरा में आपको मिल जाता है 8 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा। जो कैमरा के जो मैंने सैंपल यहाँ पर आपको लेके आया हूँ, और देखिए आप खुद डिसाइड कीजिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन में। तो अगर आप 4500 के हिसाब से हम सोच देखते हैं तो कैमरा अच्छा है, ठीक ठाक काम कर लेता है, लेकिन उतना अभी खास नहीं है तो चलता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ़ोटो का एक निकाला हूँ कुछ इस तरह से। देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ़ोटो लेके आया हूँ, तो देखिए खुद डिसाइड कीजिए। कुछ इस तरह से आपको 4500 में ये पैकेज मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी भी आपको और प्राइस है। अगर इसका जो प्राइस है 3500 से 4000 तक आ जाए तो एक बढ़िया डील हो सकती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो ले आता रहूँ।